हेलो गाइस, ये डेथब्लेड है और इस वीडियो में मैं अलाइव एसएमपी को टेक ओवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ थी वो चाहिए था मुझे गेयर और बहुत ज़्यादा गैपल्स या गोल्डन एप्पल्स, तो मैं ग्राइंडिंग पे लग गया। अब तक मेरे पास गेयर तो बहुत ज़्यादा आ गया था, गैपल्स 2 स्टैक्स थे मेरे पास, बस अब मुझे हार्ट्स की कमी थी और मुझे पता था कैसे लेने हैं वो। तो इस सर्वर में मेरा जो एनिमी है TZI, उसकी बेस की लोकेशन मुझे पता थी और मैंने वहाँ पर एक टीम वॉर्प सेट कर लिया। अब मैं जाता हूँ वहाँ पर और एक मॉड है मेरे पास जो मुझे प्लेयर्स की लोकेशन देखने देता है, उससे मैं पता लगा लेता हूँ कि ये अपने बेस पर था। तो अब मुझे ये तो पता चल गया था कि अपने बेस पे था, मगर मुझे एक तरीका ढूंढना था जिससे मैं एक से ज़्यादा हार्ट ले सकूँ उससे, क्योंकि अगर मुझे मारना होता मैं उसके बेस पे आके फौरन मार लेता। तो मैं उसको बेसिकली बोलता हूँ कि मैंने ना एक ड्यूप हार्ट ड्यूप ढूंढ लिया है जिससे कि मदद है, मुझे उसकी मदद चाहिए बेसिकली इस ड्यूप को परफॉर्म करने के लिए, और वो मान भी आता है। ठीक है, तो मैं किसी तरीके उसको मनाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये ड्यूप काम करता है, मैं चाहता हूँ कि अपने हार्ट्स विदड्रॉ कर दे सारे, अपने हार्ट्स विदड्रॉ कर दूँ, मैं जल्दी से उसको मार दूँगा कि सारे एक्स्ट्रा हार्ट्स भी जो विदड्रॉन है वो मिल जाते हैं। मगर इसको मानना बहुत मुश्किल था, इसको मान नहीं रहा था वो बिल्कुल भी। तो मुझे पता था कि मैं ज़्यादा देर तक ये काम कर नहीं सकता था, मुझे जल्दी उसको कुछ करना था। ठीक है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि इसको मार देता हूँ मैं अभी इधर ही। ठीक है, और फिर जैसे मैं इसको मार देता हूँ लेकर। ठीक है, अब इसको पता तो होता है कि मैं इसको मार दिया, अब इसको मैं फ़ौरन जाता हूँ उसके बेस पे टीपी कर लेता हूँ। मैं जल्दी से पॉट अप करता हूँ और जल्दी से आकर उसको अटैक करना शुरू करता हूँ। अब इस वक्त मैं TZI के साथ VC में होता हूँ और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है वो। अब TZI मुझे बोलता है कि ज़रा रुको 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 रुको, वो भाग नहीं रहा, भागूंगा नहीं मैं। ठीक है, तो मैं रुक जाता हूँ उसके लिए। मैं उससे बोलता हूँ कि अपना सारा आर्मर ड्रॉप कर दो, बाकी सब आप खुद ही देख सकते हो। तो इसके बाद एक मसला आ जाता है, जिसका नाम स्ट्रेंज XD है, वो लॉग ऑन कर देता है। मैं रिप्ले मोड के वहां से आप लोगों को एक फुटेज दिखा रहा हूँ जिसमें मैं उसको थोड़ी देर
पर अब मेरे पास ना सिर्फ टीजीआई का गियर होता है बल्कि उसके टीममेट स्ट्रेंज का भी इस गियर होता पूरे है। एक्सपेडिशन से मुझे बहुत कुछ हासिल हो गया। इतना मेरे पास टोटल 2 गियर सेट्स गैदर हो गए और साथ में मैंने अपने एनिमीज के हार्ट्स भी ले चुका हूँ काफी ज्यादा। अब मेरा अगला मिशन जो होता है वो एक अच्छा सा और ग्राइंड बहुत इसके इजी गियर लेने के लिए एक बेस बनाना। तो मेरा आइडिया था वो बेसिकली एंड डायमेंशन में अपने आके अपना बेस बनाने का था, क्योंकि जितनी बार ही मैंने उसमें नॉर्मली बनाया है ओवरऑल बनाया है सब मरतबा बेस को फाउंड कर लिया लेजेंड्स की टीम में। तो गाइस ये था मेरा अलाइव SNP के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनने का एक अटेम्प्ट, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये गोल हमने अकॉम्प्लिश कर लिया है। और अगली वीडियो जो है उसमें मैं ये कहता हूँ कि कुछ इलीगल चीज़ें होंगी, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।